हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित आपका फ्रेंड। आज हम लोग हडिम्बा माता जी के टेम्पल में जाएंगे और यहाँ का मनाली में जो है काफ़ी फेमस टेम्पल है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है मॉल रोड से निकल रहे हैं। अभी हम लोग मॉल रोड से निकल रहे हैं। मौसम क्लाउडी हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि आज हम लोग वैसे पॉडकास्ट देख के आए थे, लेकिन जो है ऑन द स्पॉट इन्होंने बोल दिया हमें कि 11 बजे। और देखो मॉल रोड पे एक यहाँ पे ग्राउंड है जहाँ पे नेशनल एम्बलम भी है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ये रास्ता है, इस रास्ता नेहरू जी के है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट मिल जाएंगे। आपको जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है आप यहाँ पे कर सकते हो। ओल्ड मनाली के वे में यहाँ पे ये ग्राउंड है ना। तो सर, आप हमें बताओगे कि जर्नी कितनी है यहाँ से और कितना दूर हमें यहाँ से ट्रैवल करना है हडिम्बा माता जी के टेम्पल तक? अराउंड 2 किलोमीटर रहेगा। ओके, जर्नी आप वही दो बोट से कर सकते हैं, या तो पैदल जाइए। ओके, या फिर आपके पास 3 व्हीलर जा रहे हैं, 4 व्हीलर जा रहे हैं, 5 व्हीलर जा रहे हैं, अच्छा ये रहेगा कि आप पैदल जाएं। हाँ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है। मैं आपको हाँ सामने ट्रैफिक काफ़ी है, देखो ये हाँ यहाँ पे अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है काफ़ी अराउंड 400-500 साल पुराने जो है यहाँ पे देवदार के पेड़ हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और मैं बताऊंगा कि यहाँ पे बिल्कुल ही वो कंजेस्टेड रोड है यहाँ पे, और बिल्कुल ही आपको बहुत ही ध्यान से आपने ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना सर? ओके सर, सो लेट्स। हम एक कंजस्टेड रोड से निकल रहे हैं। एक खासियत आपको ये मिलेगी इस इलाके की कि आपको भुट्टिको के शॉल्स यहाँ मिलेंगे, भुट्टिको स्टोर्स मिलेंगे, और थोड़ी देर में आपको सर्किट हाउस मिलेगा। ये जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं ये हडिम्बा मंदिर को ही जा रही हैं, इतने टूरिस्ट निकल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम जो है मनाली और हडिम्बा माता टेम्पल के बिल्कुल मिड वे में हैं। आप उसको मिड वे वैसे बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से अभी मैं आपको बोट शो करूँगा। यहाँ से हडिम्बा टेम्पल अराउंड आई विल शो 1.5 किलोमीटर बताया हुआ, देखिए तो ऑलमोस्ट वही मिड वे ही है। हमने अराउंड 600 मीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं, तो अभी चलिए आपको ले चलते हैं आपको। यहाँ से आगे जो है आप जो क्लब हाउस की तरफ ओल्ड मनाली को रास्ता ये वाला गया है, और हमने इस वाले रास्ते में जाना है। अच्छा, 15 साल पहले हमारा रास्ता हुआ। ओके, आप सब बताओगे कि यहाँ पे हमने अभी ऑलमोस्ट कितने स्टेप्स हमें चढ़ने पड़ेंगे वहाँ जाने के लिए? हमको 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, पूरी सीढ़ी मिलेंगी आपको। अच्छा, लगभग ऑलमोस्ट मेरे 1000 तो होंगी सीढ़ियाँ होंगी। ओके, करना पड़ेंगे 900 मीटर तक आपको मिलेंगी। ओके, पहले जब मैं बता रहा था आपको, मैं 15 साल पहले हाँ ये दर्शन इधर को निकल गया। अच्छा, ओके भाई, फाइनली हम लोग अभी मिडवे में आ गए हैं मनाली और हडिम्बा माता टेम्पल के बिल्कुल मिडवे में, और यहाँ से अभी 1 किलोमीटर और होगा यहाँ से। तो मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि 1.5 किलोमीटर अभी वहाँ से है जहाँ से वो जंक्शन था ओल्ड मनाली और यहाँ के बीच में। तो अभी यहाँ से बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट के बीच में से जाना पड़ेगा, जैसे आप अगले पीछे देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ के पेड़ जो है काफ़ी पुराने पेड़ हैं, और यहाँ पर आपको बिल्कुल सनलाइट नहीं आती है, और अगर आप यहाँ पर फोटो शूट करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको मिलेगा इन्वायरमेंट यहाँ पर फोटो शूट का, क्योंकि यहाँ पर अंदर तक बिल्कुल ग्लेयर है। तो गाइस वो ले चलते हैं।
एग्जॉस्ट हो गया हूँ। अराउंड मैंने 500 स्टेप्स में चढ़ चुका हूँ अभी तक, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, तो तभी थोड़ा सा ऊपर बचा हूँ। बस के बाद फिर प्लेन आ जाएगा आपके पास। जो चीज़ के मैं बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ वो अभी मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ये चीज़ इतने सुंदर जगह में आप लोग यहाँ पे आए हो और ये चीज़ अगर आप कर रहे हो तो दिस इज़ वेरी बैड। तो सर बताओगे आप ये जो पब्लिक प्लेसिस पे ये पूरा जो स्क्रैप्स वगैरह डाले हुए हैं, रैपर्स डाले हैं, ये नहीं डालना चाहिए मेरे ख्याल से। आपका क्या बोलना है इस पर? इन्वायरमेंट हमारा है ना, तो ये चीज़ तो नहीं करनी चाहिए एटलीस्ट। ये जो पूरे स्क्रैप्स डाले हैं, वेपर्स डाले हैं, तो अगेंस्ट हम लोग डिकम्पोज नहीं होगा, बीमारियाँ फैलाएगा गंदगी। तो यहाँ पे मंदिर के लिए पूजा के लिए सामग्री मिल सकती है आपको। आया कुछ खरगोश ये हडिंबा माता टेंपल की एंट्रेंस है। यहाँ पे आप हर चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कुछ रास्ते मत लगा भीड़ यार। प्राचीन धरोहर की रक्षा करें, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी सूचना। तो गाइस फाइनली हम लोग जो हडिंबा माता टेंपल पहुंच चुके हैं, फाइनली काफ़ी एक्साइटमेंट है। मेरे जस्ट पीछे देख पाओगे तो मैं अंदर को बोलूँगा, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे हमें। ये पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मंदिर इधर को कीजिए, ये मानो मंदिर मानो ये ओल्ड मार्केट से आ रहा है रास्ता, ओल्ड मनाली से आ रहा है रास्ता ओल्ड मार्केट में। ओके जी जी ओके। और ये यहाँ का नेचुरल फ्रूट लेके बैठे हुए हैं, और ये लाइव मैं थोड़ा जूम करूँगा, लाइव स्केच फोटो बनाएंगे आपके, कलाकार बैठे हुए हैं, देखिए कलाकार के चेहरे से कुछ नहीं होता, वो आपकी फ़ोटो लेंगे अगर आपने वहाँ लेना है। ओके तो उसके बाद दूसरी बात आऊँगा, ये जो मंदिर है, हाँ मैं थोड़ा मंदिर ढुंगरी गांव, हाँ ये मंदिर गांव का नाम है ढुंगरी। ओके ढुंगरी गांव में बसा हुआ है। ओके और थोड़ा सा मंदिर तरफ चलिए, हडिंबा देवी मंदिर जो है, क्योंकि ये ढुंगरी गांव में बसा हुआ है, इस गांव का नाम ढुंगरी है, तो इसे ढुंगरी मंदिर के नाम से भी जाना है। ओके और यहाँ एक कहा जाता है कि पुरानी गुफा थी जहाँ पे ये हडिंबा देवी, आपने सुना होगा, आपने हमारे इनमें प्राचीन ग्रंथों में आपने देखा होगा, एक हडिंबा से उन्होंने शादी की थी, किसने? भीम ने। हाँ यस यस, हडिंबा की गुफा थी यहाँ, तो जब यहाँ तपस्या करने आए थे, जब यहाँ से गुजर रहे थे, तो जब यहाँ रहे थे तो हडिंबा से उन्होंने शादी कर ली थी। जैसा देखो इसके बारे में महाभारत में इसका जिक्र है, ये भीम की पत्नी थी हडिंबा, हडिंबा की यहाँ की गुफा थी, बाद में हडिंबा के नाम हडिंबा मंदिर यहाँ बनाया गया। आप थोड़ा आगे देखेंगे तो यहाँ घटोत्कच उनके पुत्र हुए थे, घटोत्कच के नाम से भी आगे थोड़ी दूर जाके मंदिर है, करीब 50-60 मीटर 100 मीटर दूर में होगा मंदिर। ये टेम्पल जो है सेदार के वृक्षों से घिरा हुआ है, एकदम ठंडा आपको यहाँ प्रतीत होगा, एकदम घना जंगल है। इसकी अपनी मान्यता है, जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है हडिंबा टेम्पल जरूर आता है। अब आप देख भी सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है यहाँ से पूरा घूम करके, क्योंकि इनको सीधे पार करने की कोई सुविधा नहीं है, इनके पास सुविधा कहने का मतलब है कि इतनी भीड़ है इसलिए ये एक ही है। और दूसरी बात यह है कि वन विहार हडिंबा, ये ढुंगरी वन विहार के नाम से प्रसिद्ध है, वन विहार मीन्स फॉरेस्ट सेंचुरी है। ओके अभी आगे ऊपर आपको ले चलेंगे हम। तो अभी आप सर हमें जो हडिंबा माता मंदिर के बाद कहाँ पर लेके जाएंगे? अभी मैं आपको घटोत्कच मंदिर ले चलता हूँ। ओके साथ में आपको वन विहार भी दिखाऊंगा, इसको बोलते हैं ढुंगरी वन विहार। ओके ओके इधर फॉरेस्ट, ये देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं मंदिर के दर्शन के लिए। तो
तो ये मेन मंदिर है और काफ़ी भीड़ है। देखिए मंदिर में दर्शन करने के लिए ये लाइन लगी है घूम के, और ये लाइन ये स्टार्ट है यहाँ से लगना है घूम के अंदर। तो फ्रेंड्स ये जो है हडिम्बा माता जी का टेंपल है, उस टेंपल की मेन एंट्रेंस है। ये इस टेंपल का आर्किटेक्चर जो है काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर है, अभी भी जो है पूरा वुडन का बना है। इवन कोई सीमेंट कोई स्टील कुछ रेनफोर्समेंट का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया हुआ, बिल्कुल ही मेरे ख्याल से अराउंड 400-500 साल पुराना मंदिर तो हुआ है। और जो इनके ये कॉलम्स है, कॉलम्स के ऊपर भी जो आर्किटेक्चर किया हुआ है बिल्कुल वुडन का किया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। तो गाइस ये हडिम्बा देवी जो टेंपल है वहाँ पे मेला चल रहा था कल, आज ही यहाँ पे खत्म हुआ, तो उसकी मार्केट है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा, काफ़ी वराइटीज में शॉप्स हर चीज़ मिल जाएगी। तो गाइस अभी हम लोग जो है हडिम्बा देवी मंदिर टेंपल से अभी हम लोग कटोत्कर जी के मंदिर में आए। ये कटोत्कर जी का टेंपल है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि काफ़ी पुराना पेड़ है, पूरे इस पेड़ के ऊपर जो ये मंदिर जो हॉर्न्स वगैरह हैं उनके पुराने ज़माने के बड़े हैं। यहाँ पर घटोत्कच की पत्नी का भी जिक्र है, घटोत्कच की पत्नी काम कंटका ने शक्ति उपासना कर अनेक वरदान प्राप्त किए। तो गाइस मैं अभी हडिम्बा देवी टेंपल से होके आ रहे हैं हम लोग, और बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं हम सब। और अभी हमने थोड़े से पकोड़े लिए हैं यहाँ से, जो लोकल जो मेला यहाँ पे चल रहा है तो वहाँ से हमने पकोड़े लिए हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा अलोन पीसफुल जगह हो, थोड़ी बिल्कुल ग्रीनरी हो यहाँ पे आसपास। तो हम लोग अभी यहाँ पे बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट में आए हैं, मैं थोड़ा सा बताऊँगा आपको, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है। और ये देखिए हमारे पुनीता सर फ़ोन पे लगे हुए हैं अभी पकौड़ों का लुत्फ लेते हुए। हेलो सर, तो कैसे पकौड़े हैं सर, आपको कैसा लगा इनको खा के सर? बहुत बढ़िया। ओके आप आकर के जो भी लोकल चीज़ ले सकते हैं। ओके आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं मिलेगी। हाँ तो आप सुबह से शाम तक यहाँ बैठ सकते हैं। चलो पकोड़े तो ठीक हैं, बट मैं एक चीज़ के सख्त अगेंस्ट हूँ, मैंने आपको पहले भी एक बार शायद आपको बताया था, पर ये देखो इतना सुंदर यहाँ पे हिमालयस है, इतना सुंदर ग्रीनरी है, बट फिर भी जो है लोगों ने पूरा स्क्रैप यहाँ वहाँ जो है पूरा बिल्कुल किया हुआ है। देखो ये पोर्टल्स, देखो पोर्टल्स, अगर जहाँ भी आना है ऐसे हिमालयस में आना, तो कम से कम ये चीज़ जो है ये नहीं होना चाहिए। आप जो प्रॉपर वे में एक जो पॉलीथीन जो कैरी करिए उसमें आपका जो भी वेस्ट है, आप जैसे हम लोग जो करेंगे, हम लोग भी ये वाला पॉलीथीन, हाँ हम लोग ये खाने के बाद जो है इस वाले बैग में जो है इसको कैरी कर लेंगे, तो जहाँ भी हमें डस्टबिन मिलेंगे हम लोग वहाँ पर इसको फेंक देंगे, तो ये चीज़ जो है बड़ी ही गंदी है। तो भाई कैसा रहा फिर आज का दिन हम दोनों के साथ? और मैं आज जो है थोड़ा अपनी ऑफिशियल लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल के आया हूँ, क्योंकि मैं फुल टाइम ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं जस्ट ऐसे ही हम लोग टाइम पास के लिए हम लोग जस्ट जो भी हम जहाँ जहाँ पे डेस्टिनेशन करते हैं तो वहाँ पे आप सबको एक वहाँ का एक ओवरव्यू जो है आपको ट्रिप करा। अभी जो है हम लोग अभी वापस जा रहे हैं मनाली मॉडल रोड में, तो आपको नेक्स्ट जो है हमारा प्रोजेक्ट है मनाली मॉडल रोड, आपको नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है पूरा मनाली मॉडल रोड के बारे में आपको बताएंगे, जहाँ पे
क्या क्या वहाँ की स्पेशलिटी है, क्या क्या वहाँ पे आप लोग शॉपिंग कर सकते हो, क्या क्या शॉपिंग आप लोगों को जो करनी चाहिए वहाँ पे। और सो गाइस आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू।